आज का दूसरा चाय हो रहा है। मीन्स मैं ब्रेकफास्ट के बाद वाली चाय में ले रही हूँ। मॉर्निंग वाला हो चुका है और ये ऑफिस चले गए हैं। 12 बजने वाला है या 12 बज चुका है, टाइम नहीं देखी हूँ। तो ये अभी सिंक वगैरह एरिया आलू के पराठे बनाए थे जिसकी वजह से ये पूरा गंदा हो गया, तो आज इसको धुलना है, ये सब साफ करना है। तो उससे पहले मैं चाय पी लूँ। दूध गर्म हो रहा है। सुबह मैंने कचरा ऐसे ही बस झाड़ू लगा के साइड रखा हुआ है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाला वेदर हो रखा है। और कल को ही मैंने कपड़ा वगैरह डाला हुआ था तो रात में काफ़ी बारिश हुई जिसकी वजह से फिर से कपड़ा भींग गया। और आज मैंने ये थोड़ा सा मैंने सुबह में चेंज करा है, तो आप लोग बताइएगा। ये बस मैंने ऐसे ही रख दिया है, बट इसको मैं हटाऊंगी एंड लाइट एंड सिंपल कुछ ऐसे मैं टापर करके रखती हूँ। ये बनाना फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए कलर ऐसा हो गया, तो इसका मैं सोच रही हूँ आज हेयर मार्क्स कुछ यूज़ करने का, क्योंकि एक ही बनाना है और कोई खाने वाला है नहीं। सो दैट्स वाई यूटिलाइज इट, फेकनेस अच्छा है। एंड मेरा घर का जो शैतान है वो अभी सोया है और आपको मैं रूम दिखा देती हूँ एक बार क्या हाल करके रखा है वो। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आप देख सकते हो, यू कैन सी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अब जैसे मैंने पहले भी बोला कि अभी उसका नर्सरी पीरियड चल रहा है, इट्स टाइम टू समथिंग लर्न इट, तो इसलिए मैं देती हूँ, खेलती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बिखर जाता है। और अभी जैसे ब्रेकफास्ट वो करके गए हैं और सॉरी 12:30 को बजने आया, तो अभी मैं चल जाऊँगी लंच बनाने। बनाते बनाते मेरा कुछ कुछ टाइम हो जाता है। बेसिकली आज लंच में कुछ मैं वैसा नहीं रखने का सोच रही हूँ, तो जैसे कि चाय होने को आया, जैसे कि मैं ये सॉरी दाल वगैरह हो गया है और चावल बनाना है और कुछ मैं देखती हूँ, अगर भुजिया तो भुजिया हो सकता है या तो तवा, मतलब सॉरी रायता बनाती हूँ। एंड अभी जस्ट कुछ ऑनलाइन कुरियर आया है तो ये कुछ है, मैं एक बार आपसे बाद में भी शेयर करूँगी, बट ऑन द वीडियो मैं अभी आपसे ये शेयर कर ले रही हूँ। एक ये है, एक कुछ ये मैंने लाइट्स वगैरह मंगाया है और इसमें शायद ईयरबड्स है, तो ये मैं अभी अनबॉक्सिंग नहीं की हूँ, करूँगी। मैं सारा कुरियर आ जाता है उसके बाद मैं एक बार बेसिकली मैं दिखाऊँगी आप लोग को कि मैंने क्या क्या मंगाया और कैसा क्वालिटी का आया है। तो ये सब मैं साफ़ करके आप लोग से मिलती हूँ। काफ़ी दिन हो जाता है मुझे वीडियो अपलोड करने में, बट कभी कभी इतना हेडेक हो जाता है कि मैं इरिटेट हो जाती, एडिटिंग वगैरह ये सब के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मुझे शूट भी खुद से करना होता है और एडिटिंग भी खुद से करना होता है, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि कोई पीछे से वीडियो वगैरह थी। कल मैंने काजल लगाया था तो बहुत ज़्यादा वो फैल गया है और मैं जाऊँगी अभी जस्ट नहाऊँगी, तो या तो नहा के हेयर मास्क लगाती हूँ या तो लगा के नहाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, तो जैसा ठीक लगेगा। फिलहाल मैं घर वगैरह अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत बुरा वाला हाल हो रखा है, लिटरली बता रही हूँ ना, मतलब फेस देखने का टाइम नहीं मिलता। सुबह में उठो और ब्रेकफास्ट पे लगो, बच्चे के खाने में लगो, क्योंकि बाबू खाता नहीं, उसके लिए भी अलग सा तामझाम करना होता है, तो यही सब है। और सुबह से आज मैंने कुछ कुछ ये सब हटाया, कुछ कुछ चेंजेस वगैरह करी। कल राशन आया था, राशन का सारा सामान मैंने कल रात में ही डाला, कुछ आज भी रखा है जो कि सारा उधर रखा हुआ है, तो ये सब है जिसके वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं देखती हूँ आगे मैं आपसे कब कैसे कैसे मिलती हूँ, तो फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, काम करके आपसे मिलती हूँ। बाय। तो मेरा फिर से चाय पीने का मन कर गया हो तो मैं फिर से बना ली, क्योंकि आजकल मानसून हो रखा है तो पता नहीं कब कब मन कर जाता है, तो मेरा जब भी मन करता मैं चाय पी लेती हूँ बना के। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि आज हेयर मास्क वगैरह ट्राई करना है, तो मतलब उसका तो अलग ही लॉजिक और कहानी हो गया मेरे साथ, क्या बोलूँ।
मैं जब उसको लेके बेसिन पे गई तो वो सारा गिर गया। तो ये सब स्टोरी है। तो आज सब्जी वगैरह सब मैंने बनाया था, तो मैं उनको दे दी थी नाश्ता में और अपने लिए चीला बनाई थी। तो यही अभी आजकल मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। तो ये सब ऑफिस चले गए हैं और मैं बेसिकली जा रही हूँ। अब बाबू भी सो गया है, ये भी चले गया है। तो ये लोग, बच्चा मेरा सो जाता है और ये ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं सारा घर घर वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्योंकि ये लोग जब रहते हैं ना, तो घर कितना भी सरिया हो वो एक सेकंड भी वैसा नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं पहले इनको अच्छे से ऑफिस भेज लेती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के, और बच्चा भी सो जाता है करीबन वो 1 से 2 घंटे आराम से भी सोता है। तो ये 1-2 घंटे मैं बहुत ज़्यादा मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो ये कुर्ती मैंने दुमका में जब रहती थी तब मैंने ये परचेज़ किया था, और ये इतना सारा, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना सारा तूफान मचा के वो सोने गए हैं। और भी कपड़े वगैरह थे, तो मैं सोची कि इसको मैं तह लगा देती हूँ, क्योंकि ये कल के कपड़े थे जो मैंने उठाया नहीं थे शाम में। तो अभी जस्ट उठा के मैं ला के रख रही हूँ। अगर मैं अभी छोड़ दूँगी ना, तो मतलब वो फिर उसी तरीके से रह जाता है। मतलब काम मत पूछो। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब इतना काम यार, इतना काम, सारा चीज़ अपनी जगह पर रखो, इसका कपड़ा अपने प्लेस पे रखो, बाबू का भी अपने प्लेस पे रखो, फिर उसका टॉय को अपने प्लेस पे रखो, उसका ब्लॉक्स को अलग से अरेंज करके रखो। मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मतलब एक ही काम रोज़ रोज़ रोज़, मतलब कभी कभी ना चिड़ सा मच जाता है, लगता कोई मतलब गंदा ही नहीं करता। तो ये सब है। बेड वगैरह भी मैंने, मतलब हाँ, बेड वगैरह भी मैं सरिया रही थी तब तक ये लोग खेलना स्टार्ट कर दिया, तो मैं छोड़ दी थी। तो ये लोग लेट से उठते हैं आजकल मॉर्निंग में, और मैं तब तक किचन में रहती हूँ। और फिर जब मैं आती हूँ, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, तब तक ये लोग कुछ कुछ दम मचाते हैं। तो मुझे आज दिन में एक बार भी बेड खाली नहीं मिला, इसलिए मैं अरेंज नहीं कर पाई। तो फिलहाल सब कुछ तय लगा के मैं अरेंज कर रही हूँ। एंड एक बात लास्टली मैं अभी ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप लोगों को लगता है कि मतलब देखो, काम हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ या अगला लेडी मैं करती हूँ या अगला लेडी नहीं करती, ऐसा नहीं है, हर कोई करता है। लेकिन सबसे बड़ी टास्क ये हो जाती है कि आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, उस बीच में आप सारा काम भी कर रहे हो, फिर कहाँ आपको रिकॉर्डिंग ऑफ करना है, फिर एडिटिंग में आपको कहाँ कट करना है, एडिट करना है। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, लिटरली मैं बता रही हूँ। अब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब स्टार्ट करके फंस गई, बाय गॉड मैं बता रही हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है। फिर कभी कभी खुद को मोटिवेट करती हूँ, यार किसी को कितना टाइम लग जाता है। मतलब मेरा तो ऐसा सिचुएशन है कि मैं ना आर हूँ ना पार हूँ, ऐसा वाला है। तो खैर ये सब है। बस अब जब आप लोग इतना सपोर्ट करके इतना आगे तक बढ़ाए हो, जो कि मेरा वैसा कुछ भी नहीं था, बट लोगों को अच्छा लगा, मैं जो भी दिखाई बहुत नेचुरल था मेरा, तो लोगों को अच्छा लगा। तो आगे सब मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ, जो होना होगा होगा। तो खैर मैं सब आ गई हूँ। ब्लास्ट मेरा ये गैस वगैरह बर्नर वगैरह साफ़ करना था, तो ये सब भी मैंने साफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा दूध वगैरह गिर जाने के बाद ना बहुत काला काला बैठ जाता है, तो ये आप प्रॉपर आप देख सकते हो, पूरा अरेंज कर ली। और किचन का सारा क्लीनिंग हो गया। अब मैं आ गई हूँ लास्ट कपड़ा वगैरह डालने के लिए। तो फ़िलहाल मैं छत पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर धूप वगैरह अच्छा वाला रहता है तो मैं इधर ही बालकनी में डाल देती हूँ। और आप बालकनी का लेंथ, सॉरी ब्रेथ आप देख सकते हो, मतलब लेंथ चौड़ाई आप देख सकते हो, लंबी तो है, अच्छी खासी लंबी है, बट चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि आप देख सकते हो ये स्टैंड भी है, तो स्टैंड में आधा इधर ही मैं डाल पाती हूँ, वो साइड अच्छे से फिर नहीं डाल पाती हूँ। तो ये स्टैंड भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था,
तो अब मैं चावल वगैरह चढ़ा दी हूँ, बाबू सो रहा है और ये है अब टाइम शाम का। तो यस, थोड़ी बहुत सिलाई आती है मुझे, तो मैं सिल रही हूँ। जहाँ पे मैं भगवान जी का फ़ोटो वगैरह रखती हूँ वहाँ पे जो स्टैंड है वो बहुत ओपन ओपन सा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बस मैं उसी का कवर वगैरह बना रही हूँ। तो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, एंड प्लीज़ आप लोग उस ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये खुद से मैं मेज़र करके फिर उसका स्टिचिंग वगैरह कर रही हूँ, और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। कुछ कुछ मैं स्टिचिंग वगैरह सीखी हूँ बट टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। जैसे अभी बाबू सोया हुआ है तो फिर जल्दी 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 जितना बन पा रहा था, जितना स्पीड में कर पा रही थी उतना करी, और ये बन के जब तैयार भी हुआ ना तो मतलब एक अच्छे वाले फिनिशिंग में नहीं दे पाई क्योंकि वो उठ गया था। खैर, अब आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक प्यार सब्सक्राइब करके जाइएगा।